तो भी आप लोग अब तक अगर सही तरीके से सारी बाधाएं पार करते हुए यहां तक पहुंचे हैं तो आगे भी आप रहेंगे उसी तरीके से, लेकिन आप पहले अपने आप को उसी से मजबूत कर लें कि हमने जितनी मेहनत करके नौकरी पाई थी उससे भी अधिक मेहनत करके हमें इस नौकरी को सफल बनाना है। नेक्स्ट, आप सभी लोग जो सिलेक्शन नहीं हो पाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो कारण ये है ना कि जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता उनका कुछ बड़ा सिलेक्शन होने के लिए नहीं होता है, क्योंकि मेरे को एक अच्छी बात अच्छी तरीके से पता है। मैं वैसे मेरी कोई सक्सेस स्टोरी कोई ज्यादा खास तो नहीं है, छोटी सी है लेकिन है थोड़ी मजेदार। मैं बता देता हूँ इनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। इलाहाबाद बोर्ड से 2014 में हिंदुस्तान टॉप किए थे। इलाहाबाद बोर्ड से 2013-14 की वैकेंसी में लोको पायलट ने हिंदुस्तान टॉप किया था। जोरदार ताली हो जाए। देखिए, जो अभी सर ने बोला कि टॉप किया था, लेकिन मुझे ये है ना, रेल में आने से पहले मैंने सर ने स्टेटमेंट में लिखा है कि रेल की नौकरी पाना मुझे एक मजाक लगता था, क्योंकि मैं सीधी सी बात है मेरे पूरे खानदान से अभी तक कोई गवर्नमेंट सर्वेंट ही नहीं है, अकेला बंदा था। और उससे बड़ा ये है ना कि मेरे घर में ना कोई पढ़ा लिखा भी नहीं था ज्यादा, तो मैं क्या है जनरली 8 तक मेरे अच्छे परसेंटेज थे, 70-80 तक बन जाते थे। फिर 10th में एडमिशन मिला और रास्ता भटक गए और 10th के अंदर 49-50% के आसपास बने, और फाइनली घर वालों ने हमसे नहीं पूछा कि हमें क्या करना है, सीधा यही पूछा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। मतलब मोहल्ले वालों ने पहले ही बता दिया कि डॉक्टर बने। कि एक्चुअली आजकल कंडीशन क्या हो रही है कि जब भी हम किसी स्कूल कॉलेज में लेते हैं ना, तो बच्चों से ज्यादा चिंता उनके माता पिता को ज्यादा है। आज स्कूल के अंदर बच्चा टॉप कर रहा है तो मम्मियां लड़ती है आपस में कि मेरे बच्चे ने टॉप किया तेरे बच्चे ने टॉप नहीं किया, तो वो क्या है कि मम्मियों और पापा के जो भरोसे है ना उनको अपना रास्ता चूज, मतलब बच्चे से कभी नहीं पूछा था तुझे क्या करना है, और उसे उस रास्ते पर डाल दिया। तो मुझे फाइनली साइंस बायोलॉजी दिलवा दी गई और परिणाम ये रहा कि हम 11वीं में फेल। जोरदार बता दे ना 11वीं फेल के लिए तालियां। प्रेजेंट टाइम पे लोका पाए 11वीं फेल और प्रेजेंट टाइम पे लोका पाए। फिर मैंने जनरली फिर पापा को बोला कि भाई मेरे एक्चुअली के नाई की दुकान है छोटी सी, तो मैं पापा को बोला वैसा मुझे फीस भरनी है, तो मैंने एक हमारे टीचर है उन टीचर के यहाँ कोचिंग भी ज्वाइन किया, ठीक है। तो टीचर भी बहुत बड़े हैं, हमसे बोला गया कि फीस, मैंने बोला सर पापा ने कहा 2-3 दिन बाद दे देंगे, तो बोले ठीक है बेटा आप चले जाओ 2-3 दिन बाद ही आना, ठीक है। तो हम भी अपना बोरे बिस्तर उठाया और घर चले गए। पापा ने को बोला कि पापा फीस चाहिए, पापा बोले 2-3 दिन काम करो पैसा कमाओ और ले जाओ, ठीक है। तो हम भी दुकान पे काम करने लग गए और पैसा भी कमा लिया, लेकिन फिर कभी वापस पढ़ाई की तरफ जाने की इच्छा ही नहीं हुई। बोले क्या करना, जब पैसा ही कमाना है तो फिर कहीं किसी भी तरीके से कमाना, जरूरी थोड़ी गवर्नमेंट नौकरी करके कमाए। फिर क्या हुआ, छोटे छोटे ऐसे रास्ते में चलते गए। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फेल आदमी, देखो जब बंदा फेल होता है तो वो सोचता है मैं फेल हो गया, लेकिन मैंने उस दिन ये देखा कि फेल होने के लिए मैंने कितने पेपर दिए, मतलब एक 11th के एग्जाम में मुश्किल से मैंने 30-40 पेपर भरे होंगे कॉपियों के। मतलब क्या वो 30-40 पेपर मेरे अंदर जो क्षमता है उनका आकलन करने के लिए पर्याप्त है क्या, ये चीज मुझे बाद में समझ में आई। अभी आप लोग जैसे लोको पायलट के एक पेपर में फेल हो गए हो तो कितने पेपर भर के आए कंप्यूटर, मुश्किल से 3 या 4। आप ये सोचे कि क्या वो 3 या 4 पेपर ने आपकी क्षमता का आकलन कर दिया, या आपकी क्षमता का आकलन करने के क्या वो 4 पेपर पर्याप्त थे, नहीं ना। मतलब कि और भी पेपर ऐसे हैं जहां हम कुछ लिख सकते थे लेकिन वो हमें पेपर ही नहीं मिले लिखने के लिए, हमें वो पेपर मिले जो हमारे लायक नहीं थे। इसलिए आप लोगों को क्या है कि नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए आज के टाइम में अगर नौकरी लगती है तो उसके लिए मेहनत, किस्मत और दुआ, जिस दिन तीनों का संगम एक साथ हो जाएगा ना, तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तब सीधी सी बात है किस्मत किसकी काम करेगी, जो मेहनत करेगा। और आज पड़ोस वाले दुआ भी उसी लोग की करते हैं जो मेहनत करता है। जैसे भी सर ने कहा कि वो लग जाएगा, मैं उम्मीद करता हूं, तो सर भी उम्मीद उसी से करेंगे जो मेहनत कर रहा है। या सर भी अगर सुबह हाथ जोड़ के बोलेंगे मेरे दो लग सर, तो उन्हीं का बोलेंगे जो मेहनत करता है। और किस्मत भी उन्हीं की काम करेगी जो मेहनत, मतलब फाइनली घूम फिर करके आता है मेहनत। आप लोगों को एक चीज ये और बतानी चाहिए कि स्ट्रगल का कोई भी सहभागी नहीं होता है, वो आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। जब आप सफल हो जाएंगे तो सभी लोग आपके साथ भागीदार बनने लगेंगे कि इसकी सफलता में मेरा हाथ था, या इसकी सफलता में मेरा हाथ था, या मेरे नाना का लड़का है, या मेरे मामा का पोता है, ये मेरे काका का बाबा। फिर कोई ये भी कहेगा किताब तो मैंने दी थी, कोई कहेगा फॉर्म तो मैंने भरवाया था इसलिए सिलेक्शन हुआ। देखो वो सब साइड पे, मतलब सीधी सी बात है अगर स्ट्रगल करना है तो आपको अकेले को ही करना पड़ेगा, उसके अंदर आपका कोई सहभागी नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैंने खूब स्ट्रगल किया है,
लेकिन मुझे स्ट्रगल तब किया मैंने जब मुझे पता चला कि मैं इस चीज को कर सकता हूं, ठीक है ना, स्ट्रगल कर सकता हूं इस चीज के, जब तक मुझे पता नहीं तब तक मैंने भी कुछ नहीं किया, खूब मजे किए। 11 फेल होने के बाद में खूब मजे किए। फिर फाइनली जब मैं जोधपुर आना हुआ तो जुगल सर से एक बार मुलाकात हुई, तो इन्होंने थोड़ी बहुत बात हुई तो मुझे कहा कि आप गवर्नमेंट नौकरी कर सकते हो, तो मैंने बोला था फेल आदमी क्या गवर्नमेंट नौकरी करेगा, मजाक सी और लगने लगी। इन्होंने कहा नहीं एक काम करो, एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करो, मुझे लगता है कि तुम कर सकते हो। मैंने बोला ठीक है। मैं फिर क्या हुआ कि सर से वहां मिला जहां से मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाने के बाद गया तो सर ने मुझे कहा कि तुम कर सकते हो, तो मैंने बोला चलो कोशिश करते हैं। तो फिर सर के अंदर बैठ के क्लास के अंदर मैं पढ़ने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ने लगा तो मन भी लगने लगा, ठीक है। फिर मुझे वो जो आठवीं में जो 70-80% बने थे ना वो याद आने लगे, यार अगर आठवीं में 70-80 बनाया तब भी बढ़ा सकते हैं। फिर मुश्किल से 20 या 25 दिन की क्लासे ली, और फिर ऐसा हुआ कि मेरे कुछ पारिवारिक कारण हो गए और मेरे को कोचिंग सेंटर छोड़ना पड़ा और मैं अपने गृह जिले घर चला गया। घर जाने के बाद फिर सर से कंटिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहा, मैं कॉन्टेक्ट में रहा तो मेरा रिटर्न पेपर निकल गया, थोड़ी और एनर्जी आई, तो फिर मैंने सेकेंड पेपर दिया वो भी निकल गया। फिर मैंने थर्ड दिया तो थर्ड के अंदर लोग कहने लगे कि यार ये तो बहुत ईजी होता है साइको, लेकिन मुझे एक कॉन्सेप्ट उससे में समझ में आया कि अगर साइको इजी होता तो वो एग्जाम का तृतीय चरण नहीं होता, वो पहले ही भाई सीधी सी बात जब एग्जाम देने बैठेंगे तो पहला स्टेप इजी होगा या थर्ड स्टेप इजी होगा, पहला इजी होगा। अब साइको का स्टेप क्या था, थर्ड था, तो भाई मुझे लगा कि यार साइको का स्टेप तो और ज्यादा डिफिकल्ट होगा, सब लोग कह रहे हैं इजी इजी इजी, मैंने उसे थोड़ा हल्के में नहीं लिया और मैंने साइको दिया, तो मैं साइको के अंदर करीब करीब पूरे जोन में टॉप रहा। फिर साइको में फिर टॉप रहने के बाद तो फिर ट्रेनिंग में गए हम, ट्रेनिंग में गए तो सबसे पहले ट्रेनिंग हमारी इलेक्ट्रिक की हुई, इलेक्ट्रिक की गाजियाबाद के अंदर क्लास के अंदर जब 72 का बेच था, सर ने बोला हाथ खड़े करो बीटेक कितने हैं, तो करीब करीब 40% बीटेक ने हाथ खड़े किए। फिर डिप्लोमा पूछा तो 40-50% डिप्लोमा, मात्र 10% आईटीआई वाले थे, पर मैं भी आईटीआई से था 10%। मैंने बोला यहाँ अपनी का दाल गड़ने लगी है, दाल गलेगी, यहाँ तक तो ठीक है जो सर ने बताया, इसलिए यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है अब यहाँ से मुझे लग रहा है ट्रेनिंग फेल होंगे और घर ही जाना पड़ेगा अब, ठीक है। तो मैंने भी फिर वहां पे ज्यादा दिमाग तो लगाया नहीं और ऐसे मिलकर घर जाएंगे क्योंकि मैं साइड में बिजनेस कर ही रहा था, क्योंकि अपना काम चल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो घर तो अपना जाना नक्की है। फिर मैं डर डर के पढ़ने लगा, मैं कि यार अगर फेल हो गया तो नाक का सवाल है, लोग कहेंगे कि वहां जाके फेल होके आ गया, मैं कम से कम एक काम करो पास तो हो ही जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने फिर थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते मैंने बोला चलो पास हो जाएंगे। जब रिजल्ट आया तो पता चला कि क्लास के अंदर 4th रैंक मेरी थी। फिर मैंने एक चीज और दिमाग लगाई, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप जहां असंभावनाएं है ना वह अपनी संभावनाएं खोजना स्टार्ट करो, मैंने जो किया मैं वो आपको इसलिए बता रहा हूं। फिर मैंने एक दिमाग लगाया कि यार जब 4th रैंक थी तो बीटेक वाला 40 था तो वो क्यों नहीं आया, वो तो 40 के बाद मैंने 41वीं रैंक आनी चाहिए थी। फिर एक पता चला कि यहाँ आने के बाद में जो बीटेक किया या डिप्लोमा किया आईटी का उस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ सारा का सारा जीरो से शुरुआत हो रही है, और जब सबको जीरो से ही शुरुआत करनी है ऐसे कॉम्पिटिशन के अंदर भी आने के बाद यही होता है कि सबको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, और जब जीरो से ही शुरुआत करनी है तो क्यों नहीं आप वहां थोड़ा जोर लगा लें। देखो तो फिर मैंने एक चीज और दिमाग लगे कि जब गधों के बीच में अगर आप गधा दौड़ाएंगे ना तो कौन सा गधा जीतने का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन घोड़ों के बीच में अगर आप घोड़ा दौड़ाओगे या गधों के बीच में आप घोड़ा दौड़ाओगे तो श्योर सी बात है हम ही जीतेंगे। तो मैंने फिर ये दिमाग लगाया कि ये तो सब दौड़ ही रहे हैं, अब हम थोड़े से इससे हल्का सा ज्यादा पड़ता है। तो फिर मैंने ट्रैफिक के अंदर गया और ट्रैफिक के अंदर ट्रेनिंग के अंदर मैं थोड़ा पढ़ने लगा, थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा तो नहीं पढ़ा, लेकिन फिर बाद में जब रिजल्ट आया तो पता चला एनआर एनडब्ल्यूआर एनसीआर और डब्ल्यूआर इन चारों के बेच के जो 650 लोगों की ट्रेनिंग के अंदर 100 में से 98 नंबर जो आए वो मेरे ही थे। ठीक है, फिर मेरे ही थे, तो फिर मेरे को उन सबके ऊपर मॉनिटर भी बना लिया गया जब ज्यादा मार्क्स थे, तो फिर हम ट्रेनिंग से मॉनिटर से फिर हमने मुरादाबाद ज्वाइन किया, मुरादाबाद जाते ही वहां हमने शाखा कोषाध्यक्ष बना दिया गया, फिर वहां से ट्रांसफर लेके जोधपुर आया तो जॉन से फिर जोनल के अंदर यूनियन सेक्रेटरी बना दिया गया। तो फिर धीरे धीरे मतलब ये वाली चीज है कि आप जो कुछ करना चाहोगे ना तो लोग आपको पकड़ के खींच लेंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, आप तो बस अपना पहला कदम रख दो, ठीक है ना, और अगले को एहसास करा दो कि मैं इस कदम की तरफ जाना चाहता हूं, ठीक है ना, तो जिसको आपकी जरूरत है वो आपको खींच लेगा, ठीक है, और स्वतः ही आपके लिए इतनी संभावनाएं पैदा होने लग जाएगी
कि आपको पता ही नहीं चलेगा सब कुछ कैसे हो रहा है ऑटोमेटिक से। इसके लिए एक बुक्स के अंदर मैंने पढ़ा था अट्रैक्शन पावर, आकर्षण का सिद्धांत। आप सभी लोगों को पता हो तो छोटी सी जब लाइफ के अंदर कभी हम लोग मार्केट में चल रहे होते हैं तो कोई मोबाइल देख लेते हैं किसी के हाथ में, या हम किताब देख लेते हैं, या कोई ड्रेस देख लेते हैं जो हमें लगता है कि वो हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है, और हम उसे छोड़ के इग्नोर करके चल जाते हैं। लेकिन फिर याद आता है यार नहीं, हो ही लेना है, और फिर क्या पता चलता है दो चार महीने बाद वही मोबाइल या वही ड्रेस हमारे हाथ में होती है उसी टाइप की, ठीक है। तो वो हमें इसलिए मिलती है कि आप उस चीज के प्रति कितने आकर्षित होके चले थे, कितना आकर्षण पावर आपने रखा था, अट्रैक्शन पावर। तो सीधी सी बात है, आज के लाइफ के टाइम में भी अगर आपको सक्सेस होना है तो पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको सक्सेस किधर होना है, प्राइवेट सेक्टर में होना है या गवर्नमेंट सेक्टर में होना है या पैसा ही कमाना है, मतलब जो भी हो आप डिसाइड लक्ष्य चूज कर ले। क्योंकि देखो उगते सूरज को हर कोई नमस्कार करता है, ढलते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता है, वो करता है क्या? सभी लोग उगते सूरज को नमस्कार करते हैं। तो अगर क्या होता है कि हम लोग एक टाइम निकाल लेंगे उगते सूरज को नमस्कार करते करते करते, तो जब सूरज ढलने लग जाएगा तो हमारे लिए सारी उम्मीदें खत्म हो जाएगी। और आज के टाइम में यही स्थिति हो रही है, जैसा कि सर ने बताया, डिप्लोमा कर लिया, बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, फिर तैयारी में घुस रहे हैं। नहीं, आप क्या करो कि स्टार्ट से ही तैयारी में घुस जाओ, या फिर उसका एक सिलेक्शन होने के लिए एक सिस्टम और हल्का था जो मैंने अपने बिजनेस के अंदर काम में लिया था कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं पहले उसको डिसाइड करें, डिसाइड करने के बाद उसके लिए समय निर्धारित करें। जैसे कि आपको गवर्नमेंट सर्विस चाहिए तो किस उम्र तक चाहिए, जैसे मेरा टारगेट 23 का बना लिया था, वैसे आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो किस उम्र तक जाना चाहते हैं, वो भी आप टारगेट डिसाइड कर ले। फिर उस टारगेट को डिसाइड करने के बाद आप उस टारगेट को किन किन लोगों ने अचीव कर लिया उन लोगों से मिले, 10-12 लोगों से मिले, मिलने के बाद उनसे आप पता करेंगे आपने टारगेट किस तरीके से अचीव किया। और फिर क्या करें, उस टारगेट को आप छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें कि मुझे यहां तक पहुंचना, पहला स्टेप मेरा ये रहेगा, दूसरा वो रहेगा, तीसरा वो रहेगा। फिर उस जो आपने टाइम पीरियड लिया था उस टाइम पीरियड को उस स्टेप में बांटे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। फिर क्या होगा कि आप उस टाइम पीरियड के अंदर आपने वो स्टेप पाया या नहीं पाया, इस चीज को आप देखें। अगर आपको लग रहा है कि आपने पाया तब तो आप उस रस्ते पर कंटिन्यू लगातार रहिए, और आपको अगर नहीं लगता है तो अपने आप को बोलिए कि ये मेरे औकात की बात नहीं है, मैं एक चीज कर नहीं सकता हूं, और अपना रास्ता चेंज करके टाइम से ही प्राइवेट सेक्टर में कूद जाओ। देखो आजकल पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है इस चीज को मैं समझ सकता हूं। अगर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो आप पहले टारगेट डिसाइड कर लिया, पता चल रहा है कि आप उस टारगेट को नहीं ले पा रहे हैं 2 महीने 4 महीने मतलब महीना भर 2 महीने 3 महीने में, तो आप अपना लक्ष्य समय से ही उसे चेंज कर ले। नहीं तो क्या होगा कि आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर भी खत्म हो जाएगा और प्राइवेट सेक्टर भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या है, बड़े शानदार बहुत बढ़िया, क्योंकि आप जब प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो शुरुआत 25,000-30,000 से कोई नहीं करने वाला है, सब शुरुआत 5,000-7,000 से ही करेंगे। तो 20 या 22 साल की उम्र में 5,000-7,000 से शुरुआत करना हमारे लिए ठीक होता है, लेकिन वही 27-28 साल की उम्र में 7-8 हजार से शुरुआत करना हमारे लिए ठीक नहीं होता है। उस समय स्थितियां इतनी विकट हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो पहले आपको जो भी करना है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर पकड़ना है, चाहे प्राइवेट सेक्टर पकड़ना है, चाहे हम लोगों को प्राइवेट जॉब करनी, जो भी आप पहले डिसाइड कर लें और उस डिसाइड को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लें। स्टेप को बांटने के बाद आप देखेंगे क्या उस तक आप अचीव कर पा रहे हैं, अगर अचीव कर पा रहे हैं तो ही आप उस स्टेप को आगे बढ़ाएं, अन्यथा आप वहां से उसको डिसाइड कर लें। तो हेमंत साखला का सवाल था कि हम गवर्नमेंट सर्विस में आगे फॉर्म भर सकते हैं, यार मैं बताना चाहूंगा आप फॉर्म भी भर सकते हैं, और अभी पिछले सितंबर पहले यूनियन से लेटर भी निकल गया, रेलवे बोर्ड ने लेटर जारी कर दिया है कि जो आदमी पीएचडी करेगा उसको साल का 25,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा, जो आदमी पीजी करेगा उसे साल का 15,000 दिया जाएगा, जो आदमी डिग्री या डिप्लोमा लेगा उसे साल का 10,000 रुपए दिया जाएगा। ये अभी नई घोषणा हो चुकी है, वो पक्षी है जिन्होंने उड़ान भर ली है, तो पक्षियों ने उड़ान भरी है, पंखों का इम्तिहान अभी बाकी, अभी तो जीती है चंद बाजिया, अभी सारा जहां बाकी।